किसान अंदोलन चल रहा है। असी अज बैठे हाँ पंजाब हंबोर जड़ा एरिया उहदे जगह ते बैठे हैं, पुछते हैं कि ये जड़ा किसान अंदोलन चलता है कदों तक चलूगा। ते पंजाब दा तां जोर शोर तो इतों किसान गए, सारे टोल नाके बंद कराए हुए हैं और किसान दिल्ली ते जो है मोर्चा जमाए बैठे हैं। तुसी दसो जी, ये किसान अंदोलन है जड़ा, ये तुसी किदा देखते हैं तुसी इत्थे एरिए? पहली गल तो है जी भी तुसी ये गल कर रहे हो भी किन्ने दिन चलूगा, वो तो है जी मोदी से भी किन्ने दिन चलाना है। किसान तो उत्ते बैठे ही है जी। ते दूजी गल इदा किन्ने की फायदा की लॉस है साढ़े एरिए दस दीजिए। ये कॉटन बेल्ट है जी, ते सेकंडली किन्नू बेल्ट है। ठीक है, पहला इत्थे अपने किन्नू दी मंडी नहीं सी जी, ये होने ही कुछ ही साल हुए है सिस्टम ये मंडी चली है किन्नुआं दी। ते छोटे जिहड़े जमींदार है किसान उन्होंने बहुत फायदा होया जी, वो सीधे किन्नू तोड़दे है ते मंडी ले जा के ते शाम नूं बेच के करे आ जांदे है। दूजी बात, इस एरिया दी सारी जिहड़ी लोकल रोड है गांव तो पिंड जिन्नी भी रोड है वो मंडी बोर्ड दे थले है। ये जे मंडी बोर्ड ही खत्म हो जूगा, ये मंडी कारण सारा खत्म हो जूगा तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जूगा जी। ते इहदे वास्ते ये जिहड़ा कानून है। दूजी गल चावल, ये हुणे कुछ चावल भी आउण लगे है, जिवें एरिया सेम वाला हो गया इत्थे चावल भी बीजते है। अज की है जी, पिछले 2-3 सालों तो ये मेरे चावल पे है जी, 3 साल हो गए जी, 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए ये यूपी तो आ रहे है जी। जे जिन्हें भी ये फैक्ट्री वाले है की कहिंदे आ इहनूं हेलो सेलर वाले, ये यूपी तो मंगा रहे है। उत्थे की है जी, उत्थे मंडी है कौन, मंडी बोर्ड है नहीं, उत्थों 1200 रुपया, 1100, 1200, 1300 मिलता है जी। तो इतने आ कि सारा वो ही लिया के उन्होंने सेलर वाले करे है, साढ़े पे है इतने। असं सोचते हाँ भाई जेटा MSP दे जेटा गवर्नमेंट रेट है वो बिकूगा, उन्होंने कहदे वास्ते खरीदना, उन्होंने 1200-1300 रुपया यूपी तो मिल रहा है जी, बिहार तो मिल रहा है जी, उत्थों खरीद रहे हैं, लिया रहे हैं तो कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम ही बिगड़ जूगा जी। किसानों वास्ते, मजदूरों वास्ते, जो भी है सारे सारे दुखी हो जाएंगे जी, ते सारा सिस्टम जेड़ा डगमगा जूगा जी। तो इन्हों का कहना है कि सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जूगा। साढ़े नाल एक होर किसान बैठे है, पहला तो इन्हों का नाम पूछते हैं भी तेरा नाम की है जी, तुसी इस अंदोलन मोदी अड़िया होया? कहना मैं जो है जेडे कानून पुट्ठे नहीं लेंदा, तुसी इत्थों ही राशन भेज भेज के उत्थे जिन्हें किसान बैठे है उन्हां नूं थापी दे जाने का, तुसी डटे रहो, कब तक तुसी डटे रहोगे ये दसो तुसी। मेरा नाम सरबजीत है जी। मोदी सरकार दी पॉलिसी की है कि मोदी सरकार ने अडानिया अंबानिया दा मोदी हो गया गुलाम, उन्हें मोदी ने आ जिहड़ा किसानी है इहनूं खत्म करना है, कोई तरीके नाल खत्म करना है। हुण नवें नवें कानून लैके आ रहा है, आपां कोई छोटा बच्चा होवे उहनूं आपां कोई खिलौना दे रहे हैं, उह कहिंदा मैं नहीं लैणा, आपां उहनूं धक्के नाल कह रहे हैं वी तूं लै लै, तां मोदी दा उह कर रहा है वी जिहड़ी चीज़ सानूं जिहड़ी चीज़ दी जरूरत ही है नहीं गी, अज किसान नूं उस चीज़ की जरूरत ही है नहीं, वह चीज़ वो धक्के नाल मोदी दे रहा, इहदा कोई तुक नहीं। उन्हें बस मतलब इन्हों का मेन टारगेट की है कि किसान नूं खत्म करना, किसानी नूं हर पासों खत्म करना और कारपोरेट के हवाले आ खेतीबाड़ी सिस्टम जिहड़ा है इहनूं करना। अंबानिया अडानिया के जिन्ने वड्डे वड्डे हुण गोदाउन बन रहे हैं होर बने, उन्होंने हुण मोदी के मूँह च किरली वाली गल होगी, ना तो अंदर लै सकता ना वो बाहर कढ़ सकता, मोदी भी विचारा हुण विचारे फस गया। पर किसान जिहड़े है साढ़े डटे हुए है, असी मैं खुद 4 दिन उत्थे संघ बोर्डर ते ला के आया, अपने कुछ बंदे होर उत्थे गए हुए है, तो असी हुण दोबारा साढ़े 4 ट्रैक्टर होर जाने असी तैयारी कर रहे हैं। जदों तक मोदी आ कानून वापस नहीं लैंदा असी मरे तो वैसे ही पए हाँ, जे अगर कानून आ लागू हो गए तो किसानी तो वैसे ही खत्म हो जूगी और किसान वैसे ही मर जूगा। तो अगर असी उत्थों हुण सीधे वापस आ गए तो ऐसे इत्थे ही मरना, इस नूं चंगा सानूं मोदी या तो उत्थे मार देवे ते या साढ़े आ कानून वापस लै लवे। असी जदों तक मोदी सरकार आ कानून वापस नहीं लैंदी असी आपदी संघर्ष आपदी लड़ाई जारी रखांगे, भावें मोदी साल ला देवे, 2 साल ला देवे, 6 महीना, असी उत्थे ही उवें उवें पंजे बार्डर साडियां दिल्ली दी पंजे बार्डर ते साडे किसान डटे हुए है ते उवें असी कंटिन्यू साडा अंदोलन जारी रखांगे। तो ये किसान का कहना है कि असी मरे हुए तो पहले ही हैं और जे मोदी उत्थे कुर्बानी दे दिए तो साढ़े वास्ते फकर दा गल होगी। ये किसान ये कहते हैं, साढ़े नाल एक युवा किसान भी बैठे है, इन्हों असी पुछते हैं कि एक पंजाब के युवा जोड़े लोग है जो युवा मुंडे है उन्होंने मोदी की माँ को चिट्ठी लिखी है, तुम ये बारे की कहोगे, वो चिट्ठी क्यों लिखी गई या की लिखा उन्होंने वो
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ MSP 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 950,000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਚੌਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਵੇਖਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੀ MSP ਜਿਵੇਂ 1835 ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਚਾਵਲ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 3200-3300 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, 2500-2600 ਮਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਪਰਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ 1500-1600 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੋਟਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ MSP ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਰੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ CCI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ 5400 MSP ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 4800-4900 ਰੁਪਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਸਪਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੀਏ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, 2500 ਰੁਪਈਏ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟ ਹੈ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ MSP ਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਗੜੀਆ, ਸਰਪੰਚ ਦੁਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਬੋਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਬੋਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 8-10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁੜੀਆਂ ਹੈ, 2-3 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ 20-25 ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਠੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
जमींदार इकट्ठा करके जो भी राशन की जरूरत है, जो भी कमलों की जरूरत है, चाहे क्या दी भी अवे ट्रालियां भी आप दियां लेके गए हैं, कोई बाहरों फंडिंग नहीं हो रही है। ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं भी ये जी बाहरों पर फंडिंग हो रही है या कोई सहायता नहीं कर रहा। यह अफसरी जमींदारा का सारे पंजाब का ही जाके लंगर जोड़े लगते हैं, ये पंजाबियों के लंगर मशहूर है, तो अज भी मशहूर ही है। तो लोग जिन्हें उत्थे किसान गए है वह लंगर छकते ही छकते हैं, लोकल उतों के लोग भी आके छकते हैं, तो घट्टो घट भी 2-3 लाख लोग जोड़े है उत्थे रोज लंगर छकते हैं। तो आ 2 महीने चले 4 महीने चले एवं चलता ही रहेगा जिन्हें तक जोड़े है बिल वापस ना ले। तो इन्हों का सारे का जोड़ ही निकलता है, किसानों का ही कहना है कि जेडे ये बिल है जदों तई ये वापस नहीं होंगे असी दिल्ली तो मुड़ते नहीं। तो जिते जिमें सरपंच साहब ने कहा कि फंडिंग की जी फालतू की गल्ला बीजेपी सरकार विच सरकार कोई भी हो किसानों के हित च कदे नहीं आउंदियां, वो अपना फायदा सोचदियां हैं, फंडिंग जी आउंदी भी झूठियां अफवाह फैलाई जा रही हैं। और पंजाबियों जेडे लंगर है ये अज की गल नहीं, इन्होंने दस्या कि यह पुराने समय जो है जेडे सिख गुरु है उन्होंने तो परंपरा चली आ रही, उन्होंने सिख धर्म वाले निपटा रहे हैं। तो हुण देखना होगा कि किसानों के जिवें पंजाब हुण असीं अज आए हैं कवर करन आए हैं, तो पंजाब के व्यू भी देखे, पंजाब का जिहड़ा हौसला देखे इत्थे किसानों का, हालांकि बहुत सारिया इत्थे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं किसान, पर फिर भी इत्थे इन्हां दे जिहड़े हौसले है वह बुलंद है। और ये चाहते भी है कि दिल्ली तो किसान जिहड़े है बिल पुट्ठे कराए बिना ना आउण। कल न्यूज़ वास्ते हंबोर तो गुरदेव सिंह सैणी दी।